संसद के विशेष सत्र को लेकर नई जानकारी मिल रही है। 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी और फिर 19 सितंबर और उसके बाद नए संसद भवन में कार्यवाही चलेगी। जी, औपचारिक रूप से नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है, लेकिन अब ये नई जानकारी मिल रही है कि 18 सितंबर को सबसे पहले पुराने संसद भवन में कार्यवाही होगी और उसके बाद 19 सितंबर या फिर उसके बाद नए संसद भवन में कार्यवाही चलेगी और औपचारिक रूप से नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो इस बाबत और विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। विकास, विकास आपको मेरी आवाज मिल रही है? बड़ी खबर यह है कि 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन फिर 19 सितंबर से नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू हो जाएगी। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का और ज्यादा जानकारियां उनसे प्राप्त करने का। विकास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी विवेक, आपकी आवाज मिल रही है। और गणेश चतुर्थी के दिन से नए संसद भवन में प्रवेश करेगी एक तरह से पूरी लीडरशिप, देश की जो 543 सांसद हैं वो नए संसद भवन में गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर को प्रवेश करेंगे। लेकिन 18 से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, विशेष सत्र, तो पहली बैठक जो है पुरानी संसद भवन की बिल्डिंग में ही होगी और उसके बाद 19 सितंबर को दोपहर में इसको नई संसद बिल्डिंग में ट्रांसफर किया जाएगा और एक तरह से ये नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र भी होगा। इस दौरान सरकार की तरफ से हमें सूत्रों से जानकारी दी गई है कि कुछ विशेष चर्चाएं भी होंगी, जिसमें चंद्रयान की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, G20 की सफलता के अलावा दो महत्वपूर्ण बिल जो कि चुनाव सुधारों से जुड़े हुए हैं, ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज पर, जो दो महत्वपूर्ण बिल जो कि चुनाव सुधार से जुड़े हुए हैं उनको संसद में ला सकती है सरकार। अभी इस पर विचार चल रहा है कि कौन से वो बिल होंगे, इसलिए नाम स्पष्ट नहीं किए हमारे सूत्रों ने, लेकिन कम से कम दो बिल संसद के इस विशेष सत्र में लाए जाएंगे और जो कि चुनाव सुधार से जुड़े होंगे, जो भारतीय लोकतंत्र चुनाव के इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप विकास, आप कह रहे हैं कि चुनाव सुधार से जुड़े दो बिल इस विशेष सत्र में लाए जाएंगे और ये भारत के चुनावी इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे, बल्कि भारत के स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में भी मील का पत्थर अपने आप साबित हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव सुधारों की बात हो रही है। कोई और संकेत आपके पास विकास? ये देखिए, जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि चुनाव सुधार से जुड़े हुए कुछ दो महत्वपूर्ण बिल संसद के इस विशेष सत्र में ला सकती है मोदी सरकार और विशेष सत्र बुलाने के पीछे दो मकसद है। एक, नई संसद भवन की इमारत का गणेश चतुर्थी के दिन उद्घाटन सत्र करना, उसका उद्घाटन करना, औपचारिक रूप से नई संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है आपको याद होगा, लेकिन अब ये उद्घाटन सत्र होगा और उसको गणेश चतुर्थी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विकास आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।